भीतर ये वायरस जादूगरों जैसा व्यवहार करता है। आपके पास क्या रिपोर्ट है कि इस वायरस को लेकर अभी दुनिया भर में कोई वैक्सीन का काम या इस वायरस के बिहेवियर पैटर्न पर कोई एक ठोस स्टडी हो पाई है? देखो, ये आपने सही कहा कि इस वायरस, ये वायरस जो है बहुत शैतान वायरस है। ये इसकी म्यूटेशन बहुत जल्दी कर लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमारा हमारा जो सामना है वो बहुत ही गंभीर वायरस के साथ है। तो जो वैक्सीन आज के दिन वायरस पाया जाएगा उसी के अगेंस्ट बनेगी। अगर जो वो म्यूटेट कर जाएगा और उससे इंफेक्शन होगी किसी को, तो फिर हो सकता है कि वो वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं होगा। पर ये हमारा फर्ज है कि जो भी हमारे सामने है उसके अगेंस्ट तो किया है, अब जो बाकी बाद में होगा उसका भी सामना करेंगे। True. ये जरूर है ऑल्सो कि जैसे ये वैक्सीन जो बन रही है, सारी दुनिया में इस पे कोशिश हो रही है, बहुत जोर शोर से लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जितनी भी मेडिकल कम्युनिटी है जी, वो इकट्ठे मिलके सबसे क्रेडिबल रिपोर्ट कहां से है सर, कौन सी कंट्री या कौन से लोग हैं जो ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं या ज्यादा बेहतर तरीके से वैक्सीन के काम में आगे हैं? सो सबसे आगे जो है, जो हमारी नॉलेज में है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन बनाई है उसकी ह्यूमन फेज 1 ट्रायल ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। उसमें वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन दी जा रही है देखने के लिए कि उनको कोई हानि तो नहीं हो रही, क्योंकि वो फेज 1 ऐसा ही होता है जिसमें सेफ्टी ट्राई करी जाती है। एक बार सेफ्टी एस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर वो फेज 2-3 में जाएगी। तो जो जितना भी आप अंदाजा लगाएं, अगर जो सब चीज सक्सेसफुल होती है तो 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे। अमेरिका में भी 2 कंपनीज हैं जो बहुत एडवांस स्टेज पे है, पर उनका अनुमान है कि 1 साल लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा उम्मीद ये है कि 4-6 महीने में कुछ आ जाए, पर लगता ऐसा है कि साल और 18 महीने के बीच